का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे साझा करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित निबंध, जो कि पहला पाठ है आपकी पाठ पुस्तक का। और इस पाठ की सरल व्याख्या, पाठ का नाम क्या है? मित्रता। और इस पाठ की हम आपको सबसे सरल और आसान व्याख्या बताने का प्रयास करेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं या इस पाठ से जो गद्यांश आधारित प्रश्न बनते हैं या गद्यांश जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, 100% आपको आने ही चाहिए, क्योंकि इस पाठ से मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश हर वर्ष लगभग पूछे जाते हैं। तो चलिए, यहाँ से मैंने आपको जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, यहाँ से आपको मैंने यहाँ तक की व्याख्या मैंने आपको वीडियो के द्वारा बता दी है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। छात्रावास में मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय में उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है ना उतनी खिन्नता रहती है। पीछे के जो बंधन होते हैं उसमें इस तरह की, जिस तरह की छात्रावास में उमंग रहती है, इस तरह की उमंग और बंधन और ना ही खिन्नता रहती है। बाल मैत्री में जो मनन करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को वेधने वाली ईर्ष्या होती है, वह और कहाँ। और जो बाल मैत्री में यानी बचपन की मित्रता में जो आनंद होता है, जो हमारे मन को वेधने वाली या चीरने वाली ईर्ष्या होती है, वह और किसी अवस्था में नहीं होती। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बाल मैत्री में कैसी मधुरता रहती है और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा एक दूसरे पर अपार विश्वास होता है और हृदय के तरह तरह के उद्गार निकलते रहते हैं, वर्तमान हमें बहुत ही आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के बारे में बाल मैत्री में हम तरह तरह की कल्पनाएं करते रहते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि बाल मैत्री में एक दूसरे से बहुत जल्द नाराजगी भी हो जाती है और बहुत जल्द मानना मनाना भी होने लगता है। और आगे शुक्ल जी क्या लिखते हैं कि सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय का कितना भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़ शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ, शुक्ल जी कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। शुक्ल जी कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि अच्छा मित्र चाहते हुए बहुत से लोग आदर्श मित्र की कल्पना अपने मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। परंतु इस आदर्श से जो हमने सोचा कि अच्छा मित्र मिल जाए, पर इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि किसी का सुंदर चेहरा देख लिया, मन भावनी चाल देख ली और उसकी प्रकृति स्वच्छंद यानी मन मौजी प्रकृति का देख लिया, बस यही दो चार बातें देखकर लोग मित्रता कर लेते हैं। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें होनी चाहिए। परंतु हमें मुसीबतों से बचाने के लिए जिन मित्रों की आवश्यकता होती है, उनमें इसके अतिरिक्त अन्य गुण भी होने चाहिए या अन्य बातें भी होनी चाहिए।
चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर जिससे हम स्नेह ना कर सके। शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र केवल हम उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें लेकिन हम उससे स्नेह ना कर सके, उससे लगाव ना कर सके, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। जिससे तो हम अपने छोटे छोटे कार्य निकालते जाएं या काम करवाते जाएं लेकिन हम उससे भीतर ही भीतर जलते रहें या घृणा करते रहें तो उसे हम मित्र नहीं कह सकते। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। मित्र कैसा होना चाहिए? सच्चा पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र सच्चा पथ प्रदर्शक जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से एक सच्चा पथ प्रदर्शक होना चाहिए और जिस पर हम क्या कर सकें, पूरा विश्वास कर सकें। शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति भी होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए कि यदि हमारी हानि हो तो मित्र भी समझे कि उसकी भी हानि हुई है और यदि हमारा लाभ हो तो मित्र को लगे कि मेरा भी लाभ हुआ है। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इस प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही तरह का कार्य कर रहे हों, काम कर रहे हों। जैसे एक मित्र खेती का कार्य कर रहा है तो दूसरा भी खेती का ही कार्य कर रहा हो, यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और दोनों का आचरण भी एक समान हो ऐसा भी आवश्यक नहीं होता। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। कहने का अर्थ है दो भिन्न स्वभाव के मनुष्यों में भी बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे। राम कैसे थे? राम धीर और शांत स्वभाव के थे। लक्ष्मण उग्र और उद्दत्त स्वभाव के थे। लक्ष्मण कैसे थे? वह उग्र और उद्दत्त स्वभाव के थे। कहने का अर्थ है वह बहुत क्रोधित स्वभाव के थे पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी। कर्ण और दुर्योधन का स्वभाव भी भिन्न था पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई भी बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं हैं हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बली का साथ ढूंढता है, धीर उत्साही का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह कोई भी बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। समाज में विभिन्नता होती है, कोई किसी स्वभाव का है तो कोई किसी स्वभाव का है, इसीलिए लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जिस प्रकार से कि चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित का साथ ढूंढता है, जो हर वक्त चिंतित रहने वाला व्यक्ति होता है वह सोचता है कि कोई ऐसा मित्र मिल जाए जो हमें हंसाता रहे। और निर्बल जो होता है, यहाँ पर लिखा है कि जो निर्बल होता है वह बली का साथ ढूंढता है, बलवान मित्र का साथ ढूंढता है। धीर पुरुष हमेशा उत्साही मित्र का साथ ढूंढता है। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था। उच्च आकांक्षा रखने वाला चंद्रगुप्त उक्ति और उपाय यानी आगे क्या करना है, कौन कौन से उपाय करें कि प्रजा सुखी हो सके आदि आदि के बारे में आचार्य चाणक्य का मुँह ताकता था।
और नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था, और अकबर अपना मन बहलाने के लिए किसकी ओर देखता था, बीरबल की ओर देखता था। तो इस वीडियो में हम आपको इतनी ही व्याख्या बताएंगे और अगले वीडियो में हम आगे की व्याख्या सरल शब्दों में आपको बताएंगे। तो आप इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल्स के साथ जुड़ करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी विधिवत कर सकते हैं। जय हिंद।